देखो मीडिया दे विच ऐसियां रिपोर्ट्स मिलियां जिदे विच उन्होंने छानबीन करके ये पाया हैगा कि बहुत बड़ी क्वांटिटी इवन 2-2 हज़ार गोलियां एट वन टाइम कुछ पेशेंट्स नूं इशू होईयां जिहड़ियां कि हो ही नहीं सकदियां और 6 महीने तो वध ही तो दवाई एट ए स्ट्रेच दे ही नहीं सकते। और वो रिपोर्ट्स नूं मैं छानबीन भी की है उत्थे डॉक्टर्स ने जिहड़ियां प्रिस्क्रिप्शनां दित्तियां उहदे विच कुछ दवाइयां ऐसियां जिहड़ियां 28 दिन तो वध खाधियां नहीं जा सकदियां उन्हां दियां कट्ठियां ही 600-700 गोलियां इशू कीतियां गईयां। तो जे इहदा ऑडिट होवे जां इहदी विजिलेंस CBI इनकुआइरी करे तो एक बहुत वड्डा स्कैंडल सामने आ सकदा जिहदे च काफ़ी वड्डियां मछलियां भी काबू आ सकदियां। सो केंद्र सरकार नूं चाहीदा है कि छेती तो छेती ऐसी यदि इनक्वायरी कराई जाए ताकि जड़ी दवाई एक्सर्विस मैन वास्ते आ गरीब लोगों वास्ते आ वो उदा सही यूज़ हो सके और वो सही लोगों तक पहुँचे और जड़ी ये शंका आ कि बड़ी वो घपलेबाजी हो के वो मार्केट में गोलियां बेच दिखाई जाती हैं और पेशेंट को पता भी नहीं होंगे कि लिखा मेरी पर्ची पर कितनी गोलियां पाती हैं या कितनी नहीं तो वो पेशेंट को नहीं पता लगता तो जरा ताई अगे नू रोक लग सकती है जे इनक्वायरी होवे और इमीजिएट छानबीन करके इन्हें रेगुलराइज करने की बहुत वड्डी लोड़ है। मैं लगता कि ये मामला एक बारी सोम प्रकाश जी को भी आया सगा जो पिछले बारी इतने हुशियारपुर च आए सी और उन्होंने जरूर कोई ना कोई कार्रवाई की होगी नहीं तो असं उन्होंने दोबारा याद दिलावे कि वो इस मामले की डूंगाई जांच कर। Thank you.